हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्रा। आप सभी का स्वागत है द इनिशिएटर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वो वाले प्लांट शेयर करूंगी जो हमारे बिना धूप के कम लाइट में भी बड़े आराम से चलते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको अपना बाहर का एंट्रेंस दिखाऊंगी और अपने सभी प्लांट्सों के नाम भी आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले है ये क्रोटोन प्लांट, जो कि अपनी रंग बिरंगी पत्तियों की वजह से हमारे गार्डन में एक बहुत ही अच्छा सा कलर ऐड करता है। यह है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के बारे में हम सभी जानते हैं, एयर प्यूरीफाई प्लांट है और ये तेज़ रोशनी में भी और कम रोशनी में भी बहुत ही अच्छे से चलता है। ये भी प्लांट ही है। ये देखिए, ये है गोल्डन पोथोस, गोल्डन मनी प्लांट। ये भी कम रोशनी में बहुत ही अच्छे से चलता है। ये भी फ्रेंड्स मनी प्लांट की ही वैरायटी है। ये है नियोन पोथोस। फिर देखिए, ये है एग्लोनिमा। ये लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट है और ये भी बिना धूप के बहुत ही अच्छे से चलता है और छोटे से छोटे पॉट में भी ये बड़े आराम से चल जाता है। फ्रेंड्स देखिए, ये फिर से गोल्डन मनी प्लांट है। ये फ्रेंड्स फिलोडेंड्रोन की वैरायटी है ये, और इनमें भी एरियल रूट्स होती हैं। ये मॉस स्टिक पे बहुत ही अच्छे से चलता है। ये फ्रेंड्स हमारा डफनबेकिया। डफनबेकिया बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाई प्लांट है और ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ड्रेसिना। ये ड्रेसिना की वैरायटी है और ये भी एक ड्रेसिना ही है। ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है। ये फ्रेंड्स, ये गोल्डन पोथोस। और ये देखिए, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ये ग्रीन वाली वैरायटी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मनी प्लांट मेरा। और ये देखिए कितना टॉलर हो गया है। ये कम से कम 5 से 7 फीट ऊंचा हमारा ये हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मार्बल क्वीन। ये मार्बल क्वीन भी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है। और ये देखिए, ये है हार्ट लीस वाला फिलोडेंड्रोन है। और देखिए कितने अच्छे से हमारा ये ग्रो कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन धूप में और बिना धूप के बहुत ही अच्छे से ये ट्रेल करता है। ये देखिए, ये है मेरी स्पाइडर प्लांट की बास्केट, जो कि ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और ये फ्रेंड्स, ये है बिग लीव्स वाला मनी प्लांट, जो कि मैंने विंडो के पास रखा हुआ है। और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। ये है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट की वैरायटी है। और ये हमारा है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। ये देखिए, ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट भी हमारी कम रोशनी में बहुत ही अच्छे से चलता है। ये देखिए जीजी प्लांट, और देखिए कितने छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी हमारा तेज़ रोशनी में, कम रोशनी में बहुत ही अच्छे से चलता है। ये फ्रेंड्स स्नेक प्लांट की इसमें 3 से 4 वैरायटी हैं। इसकी बास्केट मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसमें हमारे 3 से 4 तरह के स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं। ये भी दिखा दो। और ये देखिए, ये पानी में मैंने पिंक सिंगोनियम की लीव्स एक टूट गई थी उसको डाला हुआ है। ये भी फ्रेंड्स हमारी स्नेक प्लांट्स की वैरायटी आ जाती हैं, जो कि कम रोशनी में बहुत ही अच्छे से चलती हैं। और ये जीजी प्लांट है, ये ब्लैक जीजी है। इसको मैंने, ये प्लांट मेरा ख़राब हो गया था फ्रेंड्स, तो मैंने इसको दोबारा से ठीक करने की कोशिश की। और देखिए इसमें से ये पप्स भी आ रहा है। ये फ्रेंड्स हमारा एग्लोनिमा की वैरायटी है। मैंने कटिंग से लगाया था और देखिए ये काफ़ी अच्छा हमारा चल रहा है। और फ्रेंड्स, ये एग्लोनिमा की वैरायटी है, ये भी कम रोशनी में अच्छे से चलता है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये फिर से ये हमारा जीजी प्लांट है। ये फ्रेंड्स सारे जीजी प्लांट्स मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ पौधे जो कि कम रोशनी में बहुत ही अच्छे से हमारे चलते हैं। तो आप मुझे बताइए, इनमें से आपको कौन सा प्लांट सबसे अच्छा लगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।